नमस्कार, आप सभी लोगों को ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड की ओर से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सीएस नेहा शुक्ला आज आप सभी लोगों को जो कंपनी ने सेकेंड कॉल एंड रिमेनिंग कॉल मंगाई है उसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट इशू कंपनी जनवरी 2021 में लेकर आई थी, जिसमें कंपनी ने शेयर प्राइस 5 रुपये तय करा था एंड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हमने आपसे सिर्फ 1 रुपये 25 पैसे ही मांगे थे। उसके बाद कंपनी ने दोबारा फर्स्ट कॉल करी थी अक्टूबर के टाइम पे, दोबारा से 1 रुपये 25 पैसे ही बाकी पार्टली पेड अप शेयर होल्डर से कंपनी ने कॉल की थी। नाउ कंपनी ने इस बार 20 दिसंबर 2021 की बोर्ड मीटिंग में तय करा है कि कंपनी सारा रिमेनिंग अमाउंट उस पार्टली पेड अप शेयर पे कॉल कर रही है। तो इसमें दो तरीके से कंपनी ने मांगा है, एक तो वो शेयर होल्डर है जिन्होंने फर्स्ट कॉल पे कर दिया और जिनका सिर्फ सेकेंड एंड फाइनल कॉल रहता है, एंड वो शेयर होल्डर है जिन्होंने गलती से फर्स्ट कॉल मिस कर दी थी, तो उनसे कंपनी ने उनकी फर्स्ट कॉल प्लस बाकी की सेकेंड एंड फाइनल कॉल कॉल करी है। तो सबसे पहले हम सेकेंड कॉल के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो जो भी सेकेंड कॉल शेयर होल्डर्स हैं उनको एक नोटिस मिला होगा सब्जेक्टिंग नोटिस फॉर द पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल शेयर होल्डर्स हैं उनके पास 5 मोड ऑफ पेमेंट है। पहला ऑनलाइन अजबा, दूसरा फिजिकल अजबा, तीसरा 3-in-1 अकाउंट, चौथा है आरवेब पोर्टल के थ्रू, एंड पांचवा है पेमेंट थ्रू चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। ऑनलाइन अजबा, जो भी SCSB बैंक ने आपको ऑनलाइन फैसिलिटी दी है अजबा के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन नेट बैंकिंग में जाके, वहाँ पे आपको ऊर्जा ग्लोबल का लिंक दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से आप अपनी पेमेंट करवा सकते हैं। दूसरा है फिजिकल अजबा, इसमें आपको अजबा फॉर्म भर के अपने नज़दीकी SCSB बैंक में जाके उसको सबमिट करना है। तीसरा, जो भी शेयर होल्डर्स हैं जो कि 3-in-1 अकाउंट होल्ड करते हैं उनको ये फैसिलिटी उनके 3-in-1 डीमैट अकाउंट में भी मिलती है और वो वहाँ से भी अपनी पेमेंट करवा सकते हैं। चौथा है आरवेब पोर्टल का लिंक हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है www.callmoney.alankit.com, और दूसरा आप ये डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू आप पेमेंट करवा सकते हैं। और पांचवा तरीका है चेक और डिमांड ड्राफ्ट। चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट आपको कंपनी चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट को आप किस नाम पे बनाना है इसके इंस्ट्रक्शन स्लिप में ये दिया गया है दूसरे पेज पे। अगर आप रेजिडेंट शेयर होल्डर हैं तो आपको ये चेक बनाना है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कॉल मनी डैश एस्को कलेक्शन डैश आर अकाउंट, और अगर आप नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर हैं तो आपका चेक बनेगा ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कॉल मनी डैश एस्क्रो कलेक्शन NR अकाउंट। अब आपको ये चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट अपना नोटिस एंड पेमेंट स्लिप को साथ में अटैच करके आपको ये कलेक्शन सेंटर में देख सबमिट करवाना है। कलेक्शन सेंटर की जानकारी पेमेंट स्लिप में दी गई हुई है लास्ट पेज में, तो आप किसी भी नज़दीकी कलेक्शन सेंटर में जाके अपना चेक और डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट करवा सकते हैं। आपको ये सारे सेकेंड कॉल के नोटिस के डॉक्यूमेंट्स, अजबा फॉर्म, पेमेंट स्लिप, इंस्ट्रक्शन सभी हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद हैं और RTA की वेबसाइट पे भी मौजूद हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल तरीका है। नाउ प्रॉब्लम आ रही है जिनका जिन्होंने फर्स्ट कॉल मिस कर दिया है, मतलब रिमेनिंग जिनको रिमाइंडर रिमेनिंग अमाउंट पे करनी है फर्स्ट कॉल पे एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी पेमेंट करवानी है। तो ऐसे शेयर होल्डर्स के पास सिर्फ 3 ही मोड एप्लीकेबल हैं, वो ऑनलाइन अजबा के थ्रू या अजबा फिजिकल अजबा के थ्रू ये पेमेंट नहीं करवा सकते हैं। उनके पास सिर्फ 3 मोड हैं, या तो वो आरवेब के थ्रू पेमेंट करवाएं जिसमें उनके पास सहूलियत है कि वो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं या UPI के थ्रू भी करवा सकते हैं ये पेमेंट, या फिर उन्हें चेक या डिमांड ड्राफ्ट के ही थ्रू ही पेमेंट करवानी है। तो जो भी रिमाइंडर शेयर होल्डर्स हैं उनको ये नोटिस मिला होगा सब्जेक्टिंग रिमाइंडर नोटिस पेमेंट रिमाइंडर फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड नोटिस फॉर द पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू द होल्डर ऑफ पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जो भी शेयर होल्डर हैं जिनको रिमाइंडर फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड नोटिस फॉर द पेमेंट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल का नोटिस आया है वो ये 3 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको आरवेब पेमेंट का लिंक हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट का पेज आपके सामने खुला हुआ है, इसमें ये जो लाल स्ट्रिप आ रही है इस पर ये लिंक दिया गया है callmoney.alankit.com का, इस लिंक पे ये क्लिक करेंगे आप तो ये आपको अलंकित के साइट पर ले जाएगा। अलंकित के साइट पे ये 5 टैब आपके सामने ओपन हो जाएंगे,
पहले तो क्वेरी एंड डाउनलोड मॉड्यूल है जहाँ से आप सारे डॉक्यूमेंट, चाहे आपकी सेकेंड कॉल रहती है या फर्स्ट एंड लास्ट कॉल रहती है, सारे डॉक्यूमेंट इस टैब के अंदर आप अपनी DP ID क्लाइंट ID डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप जब अपने DP ID क्लाइंट ID डाल रहे हो तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी स्पेस या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर स्लैश स्टार वगैरह कुछ भी आपको बीच में एंटर नहीं करना है। सारे 16 डिजिट एक ही ऑर्डर में बिना किसी स्पेस के आपको एंटर करके सबमिट कर देना है, तो आपका रिस्पेक्टिव नोटिस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सेम चीज़ जब आप RWAP के थ्रू भी पेमेंट करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखें अपना DP ID क्लाइंट ID सारा एक साथ ही मेंशन करें विदाउट एनी स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर। तो अब जब आप RWAP पेमेंट पे जाते हैं तो सबसे पहले ये आपको डिस्क्लेमर एंड डिक्लेरेशन साइन करने के लिए बोलता है। आप ये सारे बॉक्स क्लिक कर दीजिए एंड देन कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ये आपको मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए बोलता है। आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर, ज़रूरी नहीं है जो डीमैट में रजिस्टर हो, मोबाइल डाल के उसका पहले आप मोबाइल वेरिफिकेशन OTP वेरीफाई करवा लें। OTP वेरीफाई कराने के बाद आपको ये फॉर्म खुल जाता है जिसमें वो आपके पैन की जानकारी, अदर DP ID की जानकारी, आपसे ये सारी जानकारी मांगता है। उस फॉर्म को आप फिल करके सबमिट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और अपना कोई भी, जो भी आपको नेट बैंकिंग से सहूलियत है तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। UPI से आपको आसान लगता है तो आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं। एक बार जैसे ही आप ये पेमेंट करवा देते हैं तो उसके बाद आप अपनी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट, जो आप वापस से गो पेज पे जाइए, होम पेज पे वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था डाउनलोड द RWAP रिसिप्ट, तो RWAP रिसिप्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सेम अगेन अपना DP ID एंड क्लाइंट ID डालकर, अगर आपका वहां से रिसिप्ट जनरेट नहीं हो रहा है तो मैं बस आपसे यही कहूंगी कि आप थोड़ा सा वेट करें। 24 घंटे उसमें लगते हैं कई बार किसी इशू के कारण, तो आप नेक्स्ट डे भी दोबारा से ट्राई करके वो रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं। इन केस अगर 24 आवर्स होने के बाद भी आपकी रिसिप्ट नहीं जनरेट हो रही है तो आप हमें मेल कर सकते हैं cs@urjaglobal.in पे, एंड हम आपकी जो रिसिप्ट है वो मैनुअली जनरेट करके आपको मेल कर देंगे। अच्छा, जो शेयर होल्डर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करवाना चाहते हैं उनको चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट के सारे इंस्ट्रक्शन नोटिस में ही, इंस्ट्रक्शन के अंदर, ई पॉइंट के अंदर दिए गए हैं कि वो चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट आपको किस नाम पे बनाना है और उसको कैसे जमा करना है। तो जब भी आप अपना चेक बना लें और डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद आप उसमें अपना नोटिस एंड पेमेंट स्लिप, आपको दोनों अटैच करनी है, पेमेंट स्लिप में साइन करके वो आपको अपने कलेक्शन सेंटर पे देना है, जो भी नज़दीकी कलेक्शन सेंटर है वहाँ पे आप जमा करवा दीजिए। तो बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बस मैं यही कहूँगी कि जो लोग, जिनका, जिन भी शेयर होल्डर का फर्स्ट कॉल मिस हो गई है, वो ऑनलाइन अजवा के थ्रू ये पेमेंट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने कर दी है, अगर आपने 2.5 रुपये के हिसाब से अजवा से पेमेंट कर दिया एंड बाकी RWAP के थ्रू पेमेंट करी है तो वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू अनफ्रीज दैट अजवा अमाउंट अगर आपका फर्स्ट कॉल की रिमेनिंग है। तो जिन लोगों को भी 3.75 रुपये के हिसाब से पेमेंट करनी है, उनके पास सिर्फ 3 ही मोड हैं, RWAP के थ्रू या चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हैं। आप अजवा के थ्रू पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप वो आधा आधा पेमेंट करेंगे, पार्ट पेमेंट करेंगे, तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो फॉर एनी इनकन्वीनियंस इन द फ्यूचर काइंडली अवॉइड मेकिंग पेमेंट थ्रू अजवा फैसिलिटी ऑनलाइन फॉर दोज शेयर होल्डर हु हैव मिस्ड देयर फर्स्ट कॉल पेमेंट। बाकी सेकेंड कॉल पेमेंट शेयर होल्डर्स कैन मेक द अजवा पेमेंट थ्रू ऑनलाइन अजवा और फिजिकल अजवा। अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी आती है, इस सारे सॉल्यूशंस हमने FAQs में दिए गए हैं, एक बार आप FAQs रेफर कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है, इसलिए हमने RWAP लिंक दिया है कि आप नेट बैंकिंग से करते हैं, UPI से करते हैं, तो कुछ कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 25 तारीख लास्ट तारीख है 5 बजे तक, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप टाइम से ये पेमेंट करा दीजिए। अगर कोई भी टेक्निकल इशू है तो वो कंपनी अभी रिजॉल्व कर सकती है और अभी आपके पास टाइम है, तो डोंट गेट पैनिक। और सारी चीज़ें, सारे इंस्ट्रक्शंस कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे भी दिए हैं www.urjaglobal.in एज वेल एज RTA की ही, RTA की वेबसाइट पे भी सारी जानकारी अवेलेबल है।
तो आप वहाँ से भी सारी चीज़ें एक बार आप अपने नोटिस ध्यान से ज़रूर पढ़ लें, उसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कंपनी अपनी तरफ से जितनी सहूलियत हो सकती थी कि आपको जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी वो सारी चीज़ें हमने अपने FAQs में आंसर दिया है उनका, कि आपको आपको वहाँ से एक बार रेफर कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई भी परेशानी आती है आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या हमारी मेल हमें मेल कर सकते हैं cs@urjaglobal.in पे, या हमारे RTA को मेल कर सकते हैं urjarights.alankit.com पे।